हेलो हाय गाइस एवरीवन, सब लोग कैसे हो? ऑल मोबाइल अनबॉक्सिंग में आप सबका स्वागत है। आज अपने अपने एक अनबॉक्सिंग फ़ोन करके मैं दिखाने वाला हूँ। फ़ोन वैसे एक्चुअली मॉफन है, ये वीवो का Y35 है। फिलहाल Y35 पहले इसकी प्राइस 18,000 रुपये थी, बीच में कुछ ड्रॉप आया था 1,000 रुपये का और कुछ 17 के करीबन पहुँच गया। फ़ोन बहुत बड़ा जोरदार है, फ़ोन पूरा ओपन है, उसमें क्या क्या कैमरा क्लैरिटी है सब सिस्टम मैं आपको दिखाऊंगा। जब तक एक बार मेरे वीडियो का आप अंत तक बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। फ़ोन डिज़ाइन में बहुत अच्छा है, उसमें एक ब्लैक कलर भी आता है और ये एकदम कलर शाइनिंग है, जिससे पीछे का लाइनिंग जैसे डिज़ाइन पड़ेगी तो किस तरह है। यहाँ पे आपको वीवो की ब्रांड लोगो देखने को मिल रहा है और यहाँ पे टाइप सी चार्जर है, ये स्पीकर का है, ये एयरफोन का है और यहाँ पे उसके तीन कैमरे हैं, 1, 2 और 3। मेन कैमरा 50 का, ये 2 का और 2 का है और ये डिज़ाइन पूरी लुक से अलग कर दी है। यहाँ पे 2 सिम कार्ड प्लस मेमोरी कार्ड का स्लॉट आता है और ये 2 प्लस माइनस के हैं। यहाँ फिंगरप्रिंट और ऑन ऑफ दोनों साथ ही में दे दिए, फिंगरप्रिंट भी हो जाएगा और ऑन ऑफ भी हो जाएगा। और फ़ोन IPS LCD उसके अंदर डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, थोड़ी सी देखो डल दिख रही है। और लुक से फ़ोन बहुत ज़ोरदार है वैसे भी, और कंडीशन के हिसाब से भी फ़ोन देखा जाए तो बहुत ज़ोरदार है। स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर है, 8 GB रैम है, 8 GB एक्सटेंड रैम है, 128 GB है। एंड्रॉयड 13 भी हो जाएगा, उसमें अपडेटिंग सिस्टम है और लुक और डिज़ाइन से बहुत ज़ोरदार है इसका। इस तरह का देखो बॉक्स आता है ये, और फ़ोन एकदम बहुत खूबसूरत है, क्योंकि जो प्राइस है 17,000 रुपये उसके अंदर बहुत अच्छा है। अब यही प्राइस के अंदर आपको फ़ोन जैसे 8 GB और 8 GB एक्सटेंड रैम 16 GB वाला रहने जाओ तो मिलना बहुत बड़ा मुश्किल है। परंतु उसके अंदर एक माइनस पॉइंट है, ये फ़ोन एक 4G है। जब यही 5G होता तो बहुत अच्छा फ़ोन बिकता, क्योंकि वीवो वैसे भी ब्रांड है और वीवो के फ़ोन हमेशा जल्दी रुकता नहीं है, बिकने में बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि उसके अंदर प्रोसेसर है वो बहुत अच्छा दे दिया, स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर दे दिया है और 8 GB मतलब 16 GB हो जाएगा। और मेन चीज़ है उसके अंदर 90Hz की रेफरेंस रेस की डिस्प्ले आती है और PPI जो मेगापिक्सल जो कैमरा क्वालिटी है बहुत ज़ोरदार आएगी, क्योंकि वो 401 की है। और IPS LCD उसके अंदर डिस्प्ले है और फुल HD में 3 FPS के साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग भी उसके अंदर सिस्टम है। और लुक से और डिज़ाइन से भी फ़ोन ज़ोरदार है, क्योंकि बट सारी चीज़ें देखा जाए तो अभी जो प्राइस दी उस प्राइस के अनुसार ये फ़ोन फिट है और बहुत ज़ोरदार है। किसी को चाहिए तो आपको मिल जाएगा बेस्ट रेट में। मेरे पास में हमेशा नए नए फ़ोन पुराने फ़ोन बहुत आते रहते हैं। ये वीवो का Y35 है और इसके बारे में भी बहुत ज़ोरदार फ़ोन है। वैसे उसका नॉर्मली आपको मैं एक बार कैमरा वगैरह भी दिखा देता हूँ, कैमरा किस तरह का, देखो आपको एक बार। कैमरा भी बहुत बड़ा ज़ोरदार है और पीछे भी और आगे का भी, और वैसे फ़ोन भी लुक में भी ज़ोरदार है, क्योंकि जो प्राइस है 16-17 हज़ार की रेंज में तो फ़ोन बहुत अच्छा ही फ़ोन है। और इसका फुल बॉक्स के साथ में भी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।